जी कर रहा हूँ। सर सर रेडी ओके कर दे तो वैसे नहीं बताना। लेकिन ये पैसा एक साल के अंदर अंदर 3 महीने 2 महीने 6 महीने के अंदर वापस करना, इसीलिए शॉर्ट टर्म में आप डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कार्ड को, ये आपके कोर्स में नहीं है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कार्ड को, बिल ऑफ लेडिंग कार्ड को, ये भी आपके कोर्स में नहीं है। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस में आपने पढ़ी कितनी हेडिंग्स, 5 हेडिंग्स। मैं रिपीट कर दूं, ट्रेड क्रेडिट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, 5। थम्स अप करो, मैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस पे जा रहा हूं। भाई बताओ थम्स अप आ गए? जी सर। ठीक है भाई, अब आ जाओ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अब याद रखना ये पैसा जो होगा ना इसको रिटर्न लंबे अरसे तक करना है, 10 साल, 2 साल, 5 साल, 3 साल, 25 साल। ठीक है, पहला क्या है, कमर्शियल बैंक के पास गए, बोला मुझे 5 साल का लोन दे दो, कमर्शियल बैंक के पास गए, बोला मुझे 3 साल का लोन दे दो। सर ये कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं, यूबी है, एलएचबी है, दुबई इस्लाम है, अलाइड बैंक, फैसल बैंक, निजान बैंक, यू नेम इट, ये सारे क्या है, कमर्शियल बैंक। इनके पास जाओ, बोलो मुझे घर बनाना है, ये मेरा प्लॉट है, ये मेरे कागजात हैं, आप यहाँ मैं जॉब करता हूँ, ये मेरी सैलरी है, आप मुझे लोन दे दें 40 लाख का, आप मुझे लोन दे दें 80 लाख। तो जितनी तुम्हारी औकात होगी वो बैंक खुद देखेगा और आपको लोन दे देगा, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। क्या हो रहा है, हेडिंग नंबर 2, शेयर्स। अरे किसी कंपनी ने अपने शेयर इशू किए, जैसे मेरी कंपनी है, 10 इंटरप्राइजेस। ठीक है, मुझे पैसे की जरूरत पड़ी, सही है, मैं बैंक के पास नहीं गया, मैंने अपनी कंपनी के टुकड़े किए शेयर्स, और हर शेयर मैंने आम जनरल पब्लिक को बेच दिया, हर बंदे के पास से मेरे पास पैसे आ जाएंगे, उसके पास क्या होगा, शेयर होगा, मेरे पास क्या होगा, उसका पैसा होगा, मैं उस पैसे से कमाऊंगा और फिर मुनासिब प्रॉफिट, मुनासिब मतलब जितना मैं जरूरी समझूंगा, उस तरह का प्रॉफिट हर शेयर में उनको दे दूंगा साल के आखिर, कभी कभी साल में 2 दफा, कभी कभी साल में 3 दफा भी, खुश करने के लिए उनको। इस तरह मेरा मार्केट में शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी और हर बंदा चाहेगा कि ये 10 इंटरप्राइजेस के शेयर्स खरीदे, है ना। तो शेयर्स भी एक और जरिया है जिससे आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस घेर सकते हैं, आपको वापस नहीं करना होता। अगर किसी के पास आपका शेयर है वो आपको वापस करना चाहता है, आप वापस नहीं लोगे, वो मार्केट में बेच दे, इसका मतलब है वो शेयर ही घूमता फिरता रहेगा मार्केट में, पैसा आपके पास ही रहेगा, पैसे से आपको जो करना है, लेकिन कोशिश करें कि प्रॉफिट दें, उसे कहते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं,
डिविडेंड, जैसे आप मुझसे पढ़ रहे हो, आप मुझे क्या देते हो? सैलरी, फीस। आप मेरे घर के, आप मेरे घर में रहते हो, आप मुझे क्या पे करते हो? कमीशन, रेंट। इसी तरह जिस बंदे के पास शेयर्स होते हैं उसको उसपे कंपनी वाले क्या देते हैं? प्रॉफिट, इंटरेस्ट, कमीशन, डिविडेंड। डी आई डी ई एन डी, डिविडेंड। नंबर थर्ड, डिबेंचर्स। डिबेंचर होता है लॉन्ग टर्म लोन, यानी मेरी कंपनी है 10 एंटरप्राइज, देखो 10 एंटरप्राइज की कंपनी है। मैंने लोन मांगा आपसे, मैंने कहा मुझे लोन दे दो, शेयर नहीं, आप शेयर्स नहीं, लोन, ये पैसा लोन दे दो हर महीने, हर साल 10% मुझसे इंटरेस्ट ले लो। अब ये डिविडेंड नहीं होगा, इंटरेस्ट होगा जो मुझे देना पड़ेगा लाजमी, भले मैं लॉस में हूं भले मैं फायदे में। फर्क क्या है? शेयर्स में अगर प्रॉफिट में हूं तो दूंगा, नहीं हूं तो नहीं दूंगा। डिबेंचर में क्योंकि लोन है, इसमें मैं प्रॉफिट में हूं या लॉस में हूं, मुझे 10%, 8%, 9% जो भी होगा इंटरेस्ट वो लाजमी देना पड़ेगा, लाजमी। मेरे ख्याल समझ में आ गई सर, थम्स अप कर दो। ये भी एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, 10 साल, 8 साल, 20 साल, मतलब आ गए। नंबर फोर, अरे भाई किसी भी इंडस्ट्रियल या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बहुत सारे होते हैं, AKB इन्वेस्टमेंट्स हैं, फैसल हाउस, फैसल उसमें है, ये है अपना आरएफ हबीब ग्रुप्स हैं, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान के, और भी बहुत सारे हैं, आप नेट पर सर्च करेंगे बहुत मिल जाएंगे। ये भी बैंक की तरह ही होते हैं, लेकिन ये बैंक नहीं होते, ये बड़े बड़े लोन देते हैं लोगों को, और 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए लोन देते हैं लोगों को। तो गया ये और लॉन्ग टर्म फाइनेंस का एक और पार्ट हो गया। नंबर नेक्स्ट, अरे कुछ प्रॉफिट तुमने पहले से कमा के रखे होते हैं जो तुम संभाल के रख रहे हो, तो एक कोने में वो जो एक कोना होता है ना, इस पे तुम संभाल के रख रहे होते हो पिछले साल का प्रॉफिट, उससे पिछले साल का प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा सा निकाल के, क्यों? तुम्हारे वाले जो कमाते हैं सारा का सारा वो खर्च कर देते हैं। नहीं भाई, काफ़ी खर्च करते हैं, कोशिश करते हैं कुछ बचा लें, फिर अगले महीने कुछ बचा के रख लेते हैं, फिर अगले महीने, तो थोड़ा थोड़ा खतरा खतरा बचाते रहते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है पानी का गिलास टाइप का, है ना? कब काम आता है? अब काम आएगा लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अब जब 15 साल तक 10 साल तक तुम ये पैसा बचा के रख रहे हो, और तुमने कोई मशीनरी खरीदनी है, कोई इक्विपमेंट डालना है, कोई ज़मीन खरीदनी है, तो बेटा ये भी तो एक क्या है, रिटेन अर्निंग्स। इसे क्या बोलते हैं, इस कोने को जहाँ पैसा संभाल के रखा है, रिटेन अर्निंग्स लिखा हुआ है, रिटेन अर्निंग्स। अगर ये बात समझ में आ गई है थम्स अप कर दो, हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंस खत्म खत्म। हाँ या ना? यस करो भाई, जल्दी करो भाई, सर थम्स अप हो गया। जिसमें सेक्शन ए ऑलरेडी आगे है, आगे है, ठीक है, सेक्शन बी पीछे है, तो हम करते ये हैं कि हम उस टॉपिक पे आते हैं, वो टॉपिक पे आते हैं सेट फोर के, जो ना ए ने किया जो ना बी ने किया, ठीक है, सही है, अच्छी बात है ना, हम और क्लियर होते जा रहे हैं अपनी चीजों में। नोट करो तो क्या एडवर्टाइजमेंट है, नहीं मेरे बच्चों, एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक है सेट फोर में, ये टॉपिक किधर है, ये टॉपिक रिटेलिंग के बाद है, होलसेलिंग रिटेलिंग के बाद आता है एडवर्टाइजिंग, और ये आपके कोर्स में नहीं है। देखो बताओ मुझे, यस या नो, कोर्स में है तो यस,
रिड्यूस सिलेबस में नहीं है तो नो, तुम बताओ चैट पे बताओ यस या नो। देखो भाई जवाब दो, बच्चे जवाब दे रहे हैं। यस नो। हां नो नो, सब बच्चे नो बोल रहे हैं। एक बच्चे का ऐसा है, एक बच्चे का नो, एक बच्चे का यस भी आ गया, एक बच्चे का ऐसा है, एक बच्चे का नो आया है। अच्छा दो ही मैसेज आए हैं, दो ही आए बेटा, जरा और से देखो ना इसको, इसको देखो नो, इसने यस मुझे बोला है, बताओ ना जरा कहां है, कहां है एडवर्टाइजमेंट, किधर है मुझे बताओ एडवर्टाइजमेंट किधर है। ना तो ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में है, ना तो एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग में है, ना तो ये ट्रेड में है बेटा। और क्या देख रही हैं आप, किधर देख रही हैं, हमें बताएं थोड़ा सा। नो आ गया, सब सबके नो आ गए ना, उसके पास हमारे पास अच्छा लड़कों को जवाब ही देना, अलहमदुल्ला जरूरत ही नहीं समझ रहे हो ना, सारे काम लड़कियाँ करके छोड़ो, अभी दे रहे होंगे जवाब, ऐसा हो ही सकता है, अभी लड़कों को आवाज़ नहीं आ रही, नहीं आ रही यारी। तो ऐसा कैसे होता है कि एक भी जगह जवाब ना दे, बच्चे कह रहे हैं मोहम्मद जो है असम नो कह रहे हैं ना, सही है। तो बेटा एडवर्टाइजमेंट और मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी को हटा लो अपने पास से, सेल्समैनशिप ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, सेल्समैनशिप ही नहीं है, यानी सेट फोर का आखिरी पेज भी नहीं है, पेपर में नहीं है, कोर्स में नहीं है। यस या नो, थम्स अप कर दो, यस या नो वाला थम्स अप, चलो दोबारा कोई सब चीजें खत्म हो गई हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मतलब है सेक्शन जो ए वाले बच्चे हैं, ए वाले बच्चे वो तो अब जा सकते हैं, क्योंकि ए वाले जो बच्चे हैं उनका तो सेट फोर एंड फाइव कंप्लीट हो गया, कुछ भी नहीं बचा। हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं एक टॉपिक बचा है वो काइंड्स ऑफ रिटेलिंग वाला, तो सेक्शन बी वाले बच्चे और ए वाले बच्चे दोनों सुन लिए टॉपिक, फिर मैं ए वालों को वापस कर दूंगा, बी वालों से थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा पढ़ा दूंगा थोड़ा सा। काइंड ऑफ रिटेलिंग पे आ जाओ सेट फोर पे, ये काइंड ऑफ रिटेलिंग पता है कहां पर है, रिटेलिंग का जो टॉपिक है ना सर्विसेज वाला, वो जहां एंड हो रहा है वहां पर काइंड्स ऑफ रिटेलिंग, ये यहां पे इसकी एक काइंड ये भी, एक काइंड ये भी, दो काइंड अगले पेज पर, ठीक है। ये नंबरिंग भी हुई ना नोट्स पे, हां इधर हेल्प कर दो, नंबरिंग हो गया इसके, पता नहीं क्यों ये भी इसको सब थम्स अप कर दो। मैं काइंड्स ऑफ रिटेलिंग पढ़ा रहा हूं, डिपार्टमेंटल स्टोर पहली हेडिंग है डिपार्टमेंटल स्टोर, अब ये ए वाले भी सुने और बी वाले भी सुन ले भाई, मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा बी वालों को, ठीक है। ये आखिरी टॉपिक है ए वालों का, उसके बाद ए वाले जाएं, एक क्लास और लूंगा सबकी साथ, जिसमें मैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के प्रोसीजर पढ़ाऊंगा, एक क्लास, तो आज नहीं, आज आपके पास है भी नहीं, परेशान नहीं होना, नोट्स लेने के लिए नहीं आना पड़ेगा, फोटो भिजवा दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो एक क्लास आधे घंटे की होगी, हाफ एन आवर की होगी, थोड़े दिनों में 9-10 मॉडल के बाद रख दूंगा, एक क्लास बस, एक टॉपिक होगा उसमें वो आपके पास मौजूद होगा, नोट्स उस पर मोबाइल पे व्हाट्सएप पे, और हम वो सब मिलकर कवर करेंगे ए और बी का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होगा, समझे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट खत्म है, यानी उसके बगैर पेपर में जाना फजूल है, ये वो तो पक्का पक्का सेक्शन सी का सवाल है, सही है, ठीक है। चलो भाई डिपार्टमेंटल स्टोर मिला तो पढ़ाता ना ना, मसला नहीं आ रहा, सेक्शन ए वालों सुन लो, इस टॉपिक के बाद चले जाना क्लास छोड़ के, मैं सेक्शन बी वालों को फिर वो जो रह गए हैं ना उनका फोर पीस और ये सब पढ़ाऊंगा अगर टाइम मिला। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होते हैं, अरे भाई कॉमन सेंस ही बात है, आजकल आपके सामने अलग अलग ऐसी जगह जहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हों, ये कॉन्फेक्शनरी का है डिपार्टमेंट, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट है, ये ईडिबल्स का है, ईडिबल्स जो हम खाते हैं ईडिबल्स का डिपार्टमेंट है, ये स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट है, तो एक छत के नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट्स अगर हो, उस स्टोर को कहते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर, जहाँ और इसका जो कॉन्सेप्ट है देखो इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एमसीक्यू में आता है, कॉमन सेंस से समझा रहा हूँ आपसे,
जैसे डिपार्टमेंटल का स्टोर का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्रांस से आया था मिड 19 सेंचुरी में, यानी कि 19 सेंचुरी का मिड जो था उसमें आया था। इसके अंदर डिपार्टमेंटल स्टोर थे, उसके अंदर डिविजन्स थी, प्रोडक्ट्स थे अलग अलग कैटेगरीज के, कस्टमर्स को बहुत सारी वैरायटी और ब्रांड्स मिल जाते थे, हर एक चीज़ का एक अलग डिवीजन होता था, एक अलग जगह होती थी। फिर जाहिर सी बात है इसके लिए कोई छोटी जगह मोहल्ले की दुकान तो नहीं बन सकता, डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है इसे भी करेगा आप लेकर। इट रिक्वायर्स अ ह्यूज बिल्डिंग टू ऑपरेट, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, इतनी जगह चाहिए होगी कि उसमें अकोमोडेट हो सके, क्योंकि बहुत लार्ज कस्टमर्स भी आते हैं इसमें, और इसकी सेल भी लाखों करोड़ों में होती है क्योंकि कस्टमर बहुत आता है, क्योंकि गुड्स बहुत है, क्योंकि वैरायटी बहुत है, क्योंकि ब्रांड बहुत है, और इसके अंदर इतनी जगह होनी चाहिए कि लोगों की पार्किंग फैसिलिटी हो और लोगों की इंटरटेनमेंट फैसिलिटी है। दुनिया में आप जाएंगे, हमारे यहाँ तो कम है डिपार्टमेंटल स्टोर, दुनिया में आप जाएंगे तो वहाँ पे वो स्क्रीन लगी है, मैच वैच चल रहा होगा, कैंटीन होगी, थोड़ा सा ऐसी जगह होगी जहाँ पे टेबल टेनिस या आप वो खेल सकते हैं, टेनिस खेल सकते हैं, टेबल टेनिस खेल सकते हैं, बड़ी जगह होती है यार डिपार्टमेंटल स्टोर करते हैं। समझ में आ गया ये काइंड ऑफ रिटेलिंग का पहला था, जरा जल्दी से थम्स अप कर दो, नंबर टू पढ़ाना है मुझे जल्दी से, बहुत सारे तुम्हें प्रॉब्लम होगी नहीं इससे, उन लोग खुद जाते रहते हो वहाँ पे। हाँ भाई थम्स अप आए यार सर, पाँच छः पता नहीं। नंबर टू सुपर मार्केट, अरे भाई ये तो सर बेनाशिम, अरे भाई ये तो ये नहीं, सुपर मार्केट क्या समझाऊँ, फ्रूट मिलता है, वेजिटेबल मिलता है, रेडीमेड गारमेंट्स मिलते हैं, टॉयज मिलते हैं, मदर केयर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मतलब यार कम ऑन सुपर मार्केट, तो आप सुपर मार्केट में आना नहीं पड़ेगा ना मुझे, थम्स अप करो, तीसरे पे आऊं, थम्स अप आया पाँच छः छः माशाल्लाह, ये समझदार लोग हैं अभी छः हैं, मैंने कहा था एंड के टॉपिक्स प्यार से जाएंगे, सुकून से जाएंगे, अगर फिजिकल क्लासेस भी होती तो हम इससे भी तेज पढ़ रहे होते क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। तीसरा मल्टीपल या चेन स्टोर्स, यार क्या ये छोटे छोटे स्टोर्स होते हैं लेकिन ये पता नहीं आप लोगों से अगर किसी ने बाहर ट्रेवलिंग की है कहीं पे भी किसी भी और मुल्क में किसी भी समझ लो कि कहीं भी मलेशिया थाईलैंड सिंगापुर दुबई तो आपने वहाँ देखा होगा 7-Eleven के स्टोर्स होते हैं, यानी एक ही लाइन में 15-50 दुकानें होंगी, उसमें 6-7 स्टोर होंगे 7-Eleven के, ग्रीनिश कलर में होता है, आप नेट पे सर्च कर लेना 7-Eleven स्टोर होते हैं, सारे एक जैसे होते हैं, सब में तकरीबन एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं, 24 घंटे खुले होते हैं, जिसे कहते हैं मल्टीपल चेन स्टोर्स। अब इसमें लिखा हुआ भी है कि मल्टीपल चेन स्टोर में तुम देखो ये डेटा देखो कि 1929 में यूएसए में 7,061 कंपनीज थी जिनके 1,60,000 मल्टीपल चेन स्टोर, 1,60,000 नहीं है, देख लो क्या लिखा है नोट्स में, देख लो 1,59,638 मैंने आपको बताया ओवरऑल मल्टीपल चेन स्टोर। देखिए भाई इसके अंदर क्या होता है, इसके लिए बड़ी बड़ी पार्किंग की जगह नहीं चाहिए होती, छोटी छोटी शॉप्स होती हैं स्पेशियसली के 25-30-20 लोग 15 लोग एक टाइम के शॉपिंग करने चले जाते हैं, अपने जैसे मोहल्ले की परचून की दुकान होती है, बस हमारे यहाँ क्या होता है परचून की दुकान एक अलग है, ये अली की है, ये दानिश की है, ये नकी की है, ये आमिर की है। अब अगर इसी को एक ही अंडर में ले लो 10 इंटरप्राइजेस के नाम से, हर होट हर शॉप पे 10 इंटरप्राइज का दिखाओ मल्टीपल चेन स्टोर हो जाएगा। नंबर चौथा तो आप मेरे ख्याल से आप कोविड की वजह से आप सब जानते ही हैं, मेक ऑर्डर हाउसेस यार, ऑनलाइन डेली प्रोडक्ट टकाटा फोन कॉल ये वो वाले प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे क्या होता है फेस नहीं देखना पड़ता आपको, ना खरीदने वाले की शक्ल देखनी पड़ती है ना बेचने वाले, ऑनलाइन मैंने कुछ मंगवाया ऑनलाइन, अभी मैं बीमार था मैं हर चीज ऑनलाइन मंगवा रहा था, मोबाइल पर बैठ के मैं ही मंगवा रहा था, बाइक मंगवा रही थी, तो बेचने वाले की भी शक्ल नहीं देख रहा और खरीदने वाले की भी शक्ल नहीं देख रहा, ऑनलाइन बंदा आता था वो भट के चला जाता था और हम वैसे पैसे देखते थे, वो ज़्यादा वहाँ देते थे हम जाके नीचे लेते थे उससे, या डायरेक्ट लेते थे कि अल्लाह ना करे हमारी तरफ से उसको ना पहुँचे वायरस, तो हमने वो जगह बनाई थी एक, हम उसको ऊपर से बोलते थे भाई यहाँ पे आके रख दो, वो वहाँ के रखते थे ऊपर से पैसे देते थे, पैसे भी खुले होते थे वो भी वहाँ रखते थे, खत्म हम जाते थे
थे वो खाली से थे एक्सप्रेस में जाते थे कि हम पे कुछ नहीं आया अल्लाह ना करे आप लोग को जैसे आपको गुजरने के लिए उन्होंने कहा जब अल्लाह ताला सही करते हैं इंशा अल्लाह। तो ये है मेन ऑर्डर था। यहाँ जाकर हमारा सेक्शन ए का सब खत्म हो गया सिवाय एक टॉपिक के जिसकी मैं क्लास रखूंगा। थम्स अप करो सेक्शन ए वाले। बी वाले बच्चों सुन लो तुमने भी कर लिया होगा। थम्स अप करो ए वाले। कर दिया। अब थम्स अप करने के बाद खुदाफिस कर दो अपने आप को जल्दी से। बी वाले बैठे रहे या ए वाले भी बैठ सकते हैं अगर वो सुनना चाहते हैं दोबारा से टॉपिक, वरना बी वाले बैठे रहे ए वाले चले जाए। आप गया आपको उससे पहले मैं सारा बता दूंगा। यस क्या करूं मैं बी वाले से बात कर रहा हूं। ए वाला रिप्लाई ना करे बी वाले ने थम्स अप करो ऐसा ही है। मार्केटिंग मिक्स का आना है मुझे थम्स अप करो जल्दी करो क्योंकि क्लास में जाएगी ना हमारी होगी वाली टाइम क्या होगा हमारे पास 9 बजे तक कोशिश करते हैं जितना कर सके कर लें ठीक है। वरना फिर जो अगली क्लास में लूंगा ना फाइनल क्लास उसमें मैं सबको वो पढ़ाऊंगा टॉपिक स्टार्ट से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। जब वो हो जाएगा ए वाले को खुदाफिस करेंगे और थोड़ी सी और क्लास के लिए खत्म करेंगे ठीक है। थोड़ा सा बाकी बस मार्केटिंग मिक्स मेरे बच्चों चार चीजों का मिक्सचर है। मैं एग्जांपल देता हूँ फर्क समझ में आ जाए। चाय में नॉर्मल इंसान के बच्चे जो चाय पीते हैं उसमें चार चीजें होती हैं पानी चीनी पत्ती दूध है ना सुनो बॉस इनमें से एक चीज भी ऊपर या नीचे हो जाए बेड़ा भरक चाय दूध ज्यादा हो गया खराब हो गई चाय चीनी कम हो गई खराब हो गई चाय पत्ती ज्यादा हो गई कड़वी हो गई चाय पत्ती कम हो गई हमने तुम्हें क्या बनाया है समझ रहे हो चीनी चाय पत्ती पानी ज्यादा हो गया बेड़ा भरक कर दिया सर बात समझाना क्या चाह रहे हैं। चारों चीजें परफेक्ट होंगी आला कॉम्बिनेशन में होंगी आला कॉम्पोजिशन में होंगी बेहतरीन चाय बनेगी आया ना थम्स अप करो जल्दी से आया थम्स अप। अब सुनो दुनिया में कोई भी मार्केटिंग है मुझे मार्केटिंग करनी है इस बुक की इस किताब की मुझे मार्केटिंग करनी है इस रिमोट की मुझे मार्केटिंग करनी है इस ऑडियोनिक के इतने बड़े स्पीकर की जो यहाँ रखा हुआ है मुझे मार्केटिंग करनी है इस एसी की मुझे मार्केटिंग करनी है 10 एंटरप्राइजेस की या मुझे मार्केटिंग करनी है इस बोर्ड की या मुझे मार्केटिंग करनी है किसी भी चीज की। चार पी हैं क्या 4 P's यानी चार लव जो कि पी से शुरू होते हैं पी से पी फॉर पाकिस्तान 14 अगस्त जिंदाबाद है ना पी। अगर ये चार पी सही हुए सही मिकदार में हुए सही हुए आपका प्रोडक्ट शूट हिट सर बताओ वो चार पीस कौन से हमें भी सिखाओ था मार्केटिंग मिक्स किसे कहते हैं। प्राइस प्लेस प्रोडक्ट प्रमोशन प्राइस प्लेस प्रोडक्ट प्रमोशन। अगर आपका प्रोडक्ट आला है प्रमोशन कटरीना कैफ से करवाई है प्लेस मौजूद भी है हर जगह लेकिन कहां चूक गए महंगा प्राइस महंगी हो गई आवाम नहीं खरीदेंगे प्रोडक्ट फेल मेरा ख्याल समझ आ गया। सुनो आगे प्राइस भी आला प्रोडक्ट भी आला प्लेस पे मौजूद भी है लेकिन अब आपने नहीं खरीदा क्योंकि तुमने कोई एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन नहीं की थी पी प्रमोशन नहीं की खुदा की कसम आम देख के चल जाएगी आगे क्योंकि सर्फ एक्सेल दाग अच्छे होते हैं
आपका प्रोडक्ट कीजिए, उनके दाल अच्छे होते हैं आगे। क्यों? क्योंकि उसकी एडवर्टाइजमेंट हुई थी, उसकी मार्केटिंग हुई थी, उसकी प्रमोशन हुई थी। समझ रहे हो? तो कहां फंस गया? प्रमोशन में फंस गया। अब सुनो, प्राइस भी आला, प्रमोशन भी खूब, प्रोडक्ट भी आला, तुम कहां फंसे? आवाम लेने गई, आवाम को नहीं मिला, प्लेस पे है ही नहीं। वहां आसान हो गई, ये भी 30 सेकंड 40 सेकंड जाना नहीं कर रहा हूं मैं भी। अच्छा जी, तो ये हो गया भाई प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन। अगर ये सही तरीके से नहीं हुए, आपका प्रोडक्ट कभी भी हिट नहीं होगा, आपका प्रोडक्ट कभी भी नहीं आगे चलेगा। आई होप समझ में आ गया। थम्स अप करो, मैं आगे जा रहा हूँ, जल्दी से थम्स अप करो, पर टाइम कम है। आई ओनली हैव लाइक 2-3 मिनट्स मुझे चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा बहुत कराना है आपको, ताकि 10-15 मिनट चीजें रह जाए सर। आगे थम्स अप देखो फिलहाल आ रहे हैं। हाँ सर, आगे आगे मार्केटिंग का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी। अच्छा याद रखना, ये जितने भी टॉपिक में इतनी अजियत में आके आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैं आपसे गारंटी देता हूँ कि ये हर टॉपिक पेपर में आएगा, ये मुझे पता है, ये मैं जानता हूँ। जो बच्चा मुझसे पूछना चाह रहा था ना इम्पोर्टेंट, वो सुन लो, ये हर टॉपिक जो मैं इतनी अजियत में आया हूँ क्लास लेने के लिए, ठीक है? और मैंने कहा कि नहीं मैं ही लूंगा अपनी क्लास, मेरा बच्चा मुझसे समझता है मैं ही लूंगा क्लास। इन्होंने मना किया सर आप ना आए, किसी और से करा लेंगे। मैंने कहा नहीं मैं ही करा हूँ इंशाल्लाह, अल्लाह ने मेरी हिम्मत दी है तो मैं ही आया क्लास लेने। याद रखना ये इनमें से हर टॉपिक, ये याद रखना, पहला पेपर है ना, याद भी रहेगा तुम्हें, तुम मुझे खुद मैसेज करके बताओगे फेसबुक पे या व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे, खुद बताओगे तुम मुझे कि इनमें से हर टॉपिक जो मैंने कराया है ना ये सारे पेपर में आएंगे, देख लेंगे इंशाल्लाह। चलो भाई, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट टॉपिक है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है गुड्स बनते कहीं हैं, स्टोर कहीं होते हैं, बिकते कहीं हैं,
लॉजिक है भाई, पिज्जा को छोड़ दो तो वो भी पिज्जा भी कहीं और बनता है, आपको कहीं और मिलता है। रेस्टोरेंट को छोड़ दो जहाँ पे वो वहीं बनता है वहीं मिलता है, रेस्टोरेंट को छोड़ दो, पर दुनिया को छोड़ दो। ये एलईडी लगी हुई है, ये शर्ट पहनी हुई है, ये पंखा लगा हुआ है, कोई भी चीज उठा लो, कहाँ बनी होगी, कहाँ मेरा उसमें स्टोर हुई होगी, कहाँ हमें मिली होगी। इसे कहते हैं चैनल, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दो होते हैं, डायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट चैनल। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान, मतलब शर्मिंदा हो जाओगे ऐसा आसान है। पिज्जा मंगवाया, डायरेक्ट चैनल, पिज्जा वाले को फोन किया, पिज्जा पॉइंट, पिज्जा नेक्स्ट, पिज्जा फलाना, पिज्जा धमाका, ले आया वो, डायरेक्ट चैनल। फूड पांडा के थ्रू मंगवाया, इनडायरेक्ट चैनल। आपने ऑर्डर किसको दिया? फूड पांडा को। फूड पांडा ने किसको बोला? पिज्जा नेक्स्ट को, वहां से फूड पांडा के थ्रू इनडायरेक्ट चैनल। आपके घर में ये ऑडियोनिक का रखा है बड़ा स्पीकर, ऑडियोनिक की कंपनी ने शाह कॉमर्स को नहीं बेचा, शाह कॉमर्स ने रिटेलर, दुकानदार, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने किसको बेचा? कंज्यूमर। अब इसके बीच में आए थे मिडिलमैन, इसे कहते हैं मिडिलमैन। आप रेफ्रिजरेटर लेने जाते हो, एसी लेने जाते हो, तो क्या आप ये ओरिएंटी कंपनी जाते हो? आप बताओ, जाता है ओरिएंटी कंपनी लेने के लिए एसी? अल्लाह के वास्ते ऐसे काम करते हैं, दुकान जाते हो, होता क्या है, ओरिएंट वाले इसको देते हैं रिटेलर को, दुकानदार को, या होलसेलर को जो बहुत बल्क में खरीदता है, वो होलसेलर पे दुकानदार को बेचता है, रिटेलर को। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, आटा, चीनी, चावल, खूब सारा चावल होलसेलर खरीदता है किससे? किसान से, फार्मर से, खूब सारा चावल खरीदता है, फिर इस खूब सारे मतलब हजारों टन चावल को एक एक दो दो सुजुकियां करके, एक दो दो ट्रक करके किसको बेचता है? दुकानदारों को, रिटेलर को, दुकान होते हैं रिटेलर। और फिर यही रिटेलर हमें बेचते हैं 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, बस हम जाते हैं भाई 5 किलो चावल दे दो, भाई ये कितने वाले, 140 वाले, ये 5 किलो दे दो, ये कितने वाले, 100 वाले, 10 किलो दे दो। समझ में आया? तो एक होता है डायरेक्ट चैनल जिसमें प्रोड्यूसर डायरेक्ट कंज्यूमर को चीजें देता है, एक होता है इनडायरेक्ट चैनल जिसके अंदर दो लोग आ जाते हैं बीच में, वो कौन होते हैं? होलसेलर, रिटेलर। समझ में आ गया? थम्स अप कर लो, जल्दी से थम्स अप कर लो, फिर मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा होलसेल पढ़ा दूंगा आज जल्दी से, ताकि सिर्फ रिटेल रह जाए, एक टॉपिक रह जाए बस अगली क्लास का। थम्स अप करो इस बात पे। बच्चे कितने बैठे हैं क्लास? 21 लड़कियां, 21 लड़कियां हैं, तो सारा ये वाला चलेगा। और लड़कों में कितने बैठे हैं? अच्छा वो है तो कौन होता है होलसेलर? सुनो भाई जल्दी जल्दी, होलसेलर वो शख्स होता है जो बहुत बल्क में खरीदता है, बहुत क्वांटिटी में खरीदता है माल, किससे? प्रोड्यूसर से, और उसको स्टोर कर लेता है अपने वेयर हाउस में, और फिर छोटी छोटी क्वांटिटीज में बेचता है किसको? दुकानदारों, रिटेलर। ये चेन है, चेन, प्रोड्यूसर, ये देखो प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, और फिर आगे इसके आगे कंज्यूमर, आप चेन। हम कौन सी चेन पढ़ रहे हैं? प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, दुकानदार। तो बेटा ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इसमें लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं होलसेलर के, बल्क में खरीदता है, कम याद रखना, बहुत ज्यादा चीनी, चावल, आटा, किताबें, पैन, पंखे, ये एक दो प्रोडक्ट्स में डील करता है, फ्यू प्रोडक्ट्स में डील करता है। मिडिलमैन होता है प्रोड्यूसर और रिटेलर के दरमियान, हमेशा कैश पे खरीदता है गुड्स, हमेशा गुड्स प्रोड्यूसर से कैश पे खरीदता है, कैश देता है, माल खरीदता है, लेकिन रिटेलर को उधार पे देता है, ऐसी देखो कितनी देता है, और कंज्यूमर को नहीं बेचता, होलसेलर कंज्यूमर को नहीं बेचता, किसको बेचता है? रिटेलर को। और याद रखना ये जो होलसेलर होता है ये प्रोड्यूसर बताता है कि कौन से इलाके का कौन सा है, बस आज के लिए इतना ही। इसकी सर्विसेज क्या क्या होती है प्रोड्यूसर को लेकर, ठीक है भाई?